السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد कमा बारकला इबर इबाहीद मजीद महज हाजरिन करामी बुज़ुर्गों नौजवानों अजीज़ बच्चों और परदानशीद ख़वा इस्लाम आज के हमारे इस दरस का मौजू है अपना रुकिया और इलाज ख़ुद करें रुकिया का मतलब क्या है और इसका माना और मफहम क्या है सबसे पहले इन शो देखते रुकिया ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है दम करना इलाज करना तो रुकिया का मतलब हुआ दम करना और इलाज करना अगर हम शरीयत के अंदर देखें तो ये लफ्ज़ अहादीस के अंदर कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है और प्यारे रबी अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ को अपनी अहादीस के अंदर ज़िक्र किया है आगे बढ़ने से पहले एक बात हमें अच्छी तरीके से जानते हैं और जान लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की शक्ल में जो किताब हमें दिया है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए यह कुरान मुकम्मल शिफ़ा है ये कुरान मुकम्मल इलाज है अल्लाह ने फरमाया या अय्योहन्नासुदात कुमत ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत आ चुकी है वह उन और वो इलाज आ चुका है लिमा सदूर जो सीनों की बीमारियों के लिए इलाज साबित होने वाला है वोदम वारतमुमिन और ये अल्लाह रबालमीन की तरफ से हिदायत है रहमत है किसके लिए मोमिनों के लिए दूसरी जगह अल्लाह ने सुरे बनी इसराइल में बयान किया वु नज़िलुमिन शिफ़ा उमतुलमुमिन कि हमने जो कुछ कुरान में नाजिल किया है वो इलाज है और रहमत है मोमिनों के लिए वला यजीदीना अल्ला खसारा और जो क़ुरान को इलाज नहीं समझेगा जो कुरान को रहमत नहीं समझेगा तो ऐसा इंसान है और उसका खसारा और नुकसान होने वाला है तो कुरान ये मुकम्मल शिफा है मुकम्मल इलाज है रूहानी बीमारियों के लिए भी और जिसमानी बीमारियों के लिए भी हर तरह की बीमारियों के लिए क़ुरान एक इलाज है और मुकम्मल इलाज है अब हमारे समाज और माशरे में एक चीज़ चलती है जिसे रुकिया शरिया कहा जाता है रुकिया शर्या तो रुकिया शरिया की क्या हैसियत है तो देखें बिल्कुल रुकिया किया जा सकता है दम किया जा सकता है और इलाज किया जा सकता है लेकिन ये किन चीज़ों के जरिए होना चाहिए क़ुरान के ज़रिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के ज़रिए अपनी तरफ़ से कोई टोना टोटका करना अपनी तरफ से कोई मंत्र जंतर पढ़ना या अपनी तरफ से कोई अल्फाज बोलना ये ग़लत है क़ुरान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस के अंदर दुआएं मौजूद हैं उन दुआओं के ज़रिए हम रुकिया करेंगे इलाज करेंगे और दम करेंगे लेकिन हमारे यहाँ एक तरतीब बना दी गई है जो बाज़ राखियों कि यहाँ मौजूद है और रुकिया करने वाले जितने लोग हैं वो इसी तरतीब से पूरा पढ़ते हैं और कहते हैं ये रुकिया शरीया है उसमें क्या क्या होता है सूर्य फातिहा से शुरू करते हैं सूर्य फातिहा के बाद बकरा का पहला रुकू पढ़ते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ करके सलाम का जहाँ तस्करा मुल्क सलीमान और उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो और दूसरे पारे से कुछ आयतें फिर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं फिर उसके बाद बकरा के आखिरी दुआते हैं ऐसे ही कई जगहों से थोड़ा 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 उठा करके मिनल जन्नति वन्नास तक पहुँच जाते हैं कहते हैं ये रुकिया शरिया ये तरतीब जिस तरतीब से हमारे राकी हजरात पढ़ते हैं ये तरतीब कहीं पर भी मौजूद नहीं कहीं पर भी मौजूद नहीं कि ऐसे ऐसे इस तरीके से पढ़ोगे तभी जिसका तुम इलाज कर रहे हो या जिसके ऊपर रुकिया कर रहे हो तभी ठीक होगा रुकिया शरिया के नाम पर हिजामा के नाम पर तलबीना के नाम पर शहद के नाम पर एक पूरा गोरख धंधा बना रखा है लोगों ने और उम्मत को बेवकूफ़ बना रहे हैं हिजामा सुन्नत तलबीना सुन्नत ये सुन्नत वो सु, सुन्नत के नाम पर अपना कारोबार चमका रहे सुन्नत के नाम पर के, बिल्कुल ये सारा काम सुन्नत है अच्छी बात है लेकिन उसके ज़रिए तुम अपना जो है कारोबार चमकाओ अपनी ज़िंदगी चमकाओ दौलत कमाओ और लोगों को ये बोल करके ये करो ये करो ये करो ये सुन्नत है ये सुन्नत है ये गलत तरीका है ये गलत तरीका है कि आप सुन्नत के नाम पर लोगों के साथ इस तरीके का मामला कर रहे हो तो रुकिया शरीर की जो तरतीब हमारे राखी हजरात बयान करते हैं जैसा कि मैंने कहा पूरी तरतीब है ऐसा आप उठा करके देख लें कहीं भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान किया है कि कुरान से फला 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 आयतें लेकर के पढ़ दो तुम्हारा रुकिया हो जाएगा बल्कि जैसा कि मैंने आयत पढ़ी कुरान मुकम्मल शिफा है मुकम्मल शिफा है आप कहीं से भी इंशाला रुकिया की नीयत से आप उठा करके पढ़ दें इंशाल्लाह आपका बीमार ठीक हो जाएगा आप ठीक हो जाएंगे अगर आप अपने ऊपर दम कर लें रुकिया कर लें लेकिन यह है कि बाज ऐसी सूरतें हैं बाज ऐसी दुआएं हैं बाज ऐसी आयतें हैं जिनको रुकिया के लिए बतौर खास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है यहां एक कायदा यह भी याद रखें कि कोई भी चीज़ हम अपनी तरफ से फिक्स नहीं कर सकते कुरान मुकम्मल शिफा है लेकिन किसी खास आयत को कि हां ये जो है इस बीमारी के लिए हम अपनी तरफ से फिक्स नहीं करेंगे जैसा कि हमारे बाल जो है इस्लामी भाई कहते हैं भाई ये इतनी मरतबा पढ़ लो सुबह को पढ़ लो शाम को पढ़ लो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा शादी लग जाएगी निकाह हो जाएगा फलाने और न जाने क्या क्या अपनी तरफ से फिक्स कर लेना यह दुरुस्त नहीं है और ना ही अपनी तरफ से हम ये कर सकते हैं कि भाई इतनी बार पढ़ना है जो तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया उसी में नजात है उसी में हमारे लिए खैर है और उसी में हमारे लिए भलाई है अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आयत किसी सूरा के हवाले से कहा है कि हाँ ये जो है इसके जरिए इलाज किया जा सकता है इसके जरिए फ़ला मुसीबत दूर हो जाएगी अच्छी बात है उसको हम ले लेंगे वरना अपनी तरफ से किसी आयत को हम फिक्स नहीं करेंगे किसी सूरा को फिक्स नहीं करेंगे तो रुकिया शर्या की हैसियत है रुकिया किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है लेकिन उसके लिए वही तरीक़ा इख्तियार करेंगे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सलफ़ साल ने किया, अपनी तरफ़ से कोई चीज़ ईजाद नहीं करेंगे कोई चीज़ पैदा नहीं करेंगे अगली बात यहाँ पर यह आती है कि क्या राखियों वगैरह की ज़रूरत है तो जी देखें बिल्कुल बाज़ दफ़ा सूरत हाल ये होती है कि इंसान को याद नहीं होती दुआएँ या इंसान जो है पढ़ नहीं सकता है तो बाज दफ़ा वो किसी ऐसे इंसान के पास चला जाता है जो उसके ऊपर दम कर दे जैसा कि साहबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाया करते थे हालांकि ऐसा नहीं है कि साहबा पढ़ना नहीं जानते थे लेकिन ये जवाब के लिए कि अगर कोई पढ़ना नहीं जानता है या पढ़ना जानता है उसके बावजूद भी अगर कोई किसी के पास जा रहा है कि भाई मेरे ऊपर दम कर दो तो किया जा सकता है ठीक है तो बाज दफ़ा राकी हजरात की जरूरत पड़ती है लेकिन वो किससे करेगा जैसा कि इससे पहले बात आई कि कुरान और हदीस से कुरान की आयतों से और हदीस के अंदर जो मौजूद दुआएं हैं उनके जरिए लेकिन हमारे यहां समाज और माशरे में मसला यह है कि हम बीमार हुए या हमारा कोई प्यारा बीमार हुआ हमारा कोई घर का बीमार सबसे पहले हम उसको उठा करके भाग कर लेकर जाते हैं किसी के पास या पर्ची में लिख करके इमाम साहब को देते हैं इमाम साहब ऐलान कर दो हमारे फलां साहब बीमार हैं यह गलत तरीका है मैं नहीं कह रहा यह हराम है लेकिन यह गलत तरीका है कि आप पहली फुर्सत में उठा करके लेकर के चले आएं वे इमाम साहब दुआ कर दो आलिम साहब दुआ कर दो फलाने साहब दुआ कर। दुआ करवाएं अच्छी बात है बिल्कुल अच्छी बात है कि आप दुआ करवाएं लेकिन पहली फुर्सत में आप इमाम साहब के पास आ जाए अपने आप को भूल जाए या अपने बीमार को भूल जाएं यह गलत बात यह गलत चीज़ है यह गलत हरकत है जो हमारे समाज के अंदर चल रहा है या चल रही है यह बहुत बुरी आदत है हमें अपना और अपने बीमारों का रुकिया और इलाज सबसे पहले खुद से करना चाहिए सबसे पहले खुद से करना चाहिए किसी और के पास जाएं आप जरूर जाएं किसी और से दुआ करवाएं और जरूर करवाएं लेकिन सबसे पहले आप खुद करें ये जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल जो है राखी हजरात हो गए ना ये लोगों की जेब ढीली करने का काम कर बाज लोगों के बारे में सुना वाला हैरत होती है कि एक एक दिन का एक घंटा आते तीन हजार लेते हैं बीस दिन गए तो साठ हज़ार वो और उसमें कोई रू रियायत नहीं दुकान वाला एक बार कम कर देता है ये कम नहीं करते दुकान वाला एक बार कपड़े में जो भी आप सामान लेते कम कर देता है लेकिन ये कम नहीं करते बाज लोगों ने खुद मुझे कहानी सुनाई पंद्रह सोलह दिन रहे अड़तालीस हजार रुपए लेकर के गए कितने अफसोस की बात है ये क्या आपका पैसा भी जा रहा है आपका ईमान भी जा रहा है आपका यकीन भी जा रहा है गोया कि आपने पहली फुर्सत में अगर किसी को बुलाकर दम करवा दिया तो गोया कि आपका ईमान नहीं है आपका यकीन नहीं है हमारे यहां बाद लोग ऐसे हैं भी धड़ल्ले से कहते भी हैं कि अरे मेरी दुआ कहाँ अल्लाह सुनेगा ईमान ही नहीं है हमारे यहां लोग यकीन नहीं है हमें रब की जात पर तो यह गलत तरीका है जो हमने इख्तियार कर रखा है कि पहली फुर्सत में हम जो इमाम साहब के पास जाए या किसी राखी को ढूंढे कि हमारे जो है बेटी पर आसेब है और यह आसेब वाला बवाल भी न जाने कहां से हमारे समाज में आ गया है आसेब क्या होता है इसीलिए बाज़ लोगों ने क्या कहा कि इंसान के पास जो उलझने तकलीफ परेशानियां आती है ना वो पचास परसेंट से ज्यादा वो इंसान के अपनी सोच का नतीजा होती है इंसान सोचता रहे मेरे साथ ये मेरे साथ वो ऐसा और वैसा न जाने कैसा कैसा तो फिर उसके साथ वो हो ही जाता अल्लाह क्या कहते हैं अली से खुदसी में अना अबदी मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखेगा मैं उसके साथ वैसा हो जाऊंगा आप रब के साथ ये गुमान रखेंगे मेरी दुआ कबूल नहीं होगी तो नहीं होगी आप ये सोचेंगे कि अरे मैं दुआ कर लूं तो मेरा बीमार कैसे ठीक होगा ये अरे अपने आप को कैसे दुआ कर सकते हैं नहीं किसी के पास जाएंगे तो आपका अपना ईमान आपका दुआ पर ईमान है कबूल है लेकिन आपका अपना ईमान जो है कि भाई मेरी दुआ कहां सुनेगा तो ये इस ईमान में कमी आ रही है इस यकीन में कमी आ रही है तो बजाय इनके उनके पास पहली फुर्सत में भागने के हमें सबसे पहले अपना रुकिया अपना इलाज खुद करना चाहिए या अपने बीमारों का खुद करना चाहिए और याद रहे कि आप अपने बारे में या अपने बच्चे के बारे में जितनी मोहब्बत से दुआ करेंगे उतनी मोहब्बत से इमाम साहब दुआ नहीं करेंगे उतनी मोहब्बत से उस जज्बे के साथ और उस जो कैफियत के साथ इमाम साहब कभी दुआ नहीं कर सकते आपको अगर यह काम करना है तो सबसे पहले अपने से शुरुआत करना पड़ेगा अब आइए देखते हैं कि हम अपना रुकिया और अपना इलाज खुद से कैसे कर सकते इसका एक तरीका क्या है मैं कई तरीके आपको बताऊंगा जिसमें दुआएं ही हैं जाहिर सी बात है जैसा कि मैंने कहा रुकिया शरिया किससे करेंगे कुरान से और दुआओं के जरिए तो सबसे पहले नंबर पर अपना रुकिया या अपने बीमारों का रुकिया और इलाज कैसे करें दम कैसे करें नंबर एक सूरतु फातिहा सूरतुल्फात फातिहा इस सूरा के कई नाम है जैसा कि आप जानते हैं मैं तीन नाम आपका जिक्र करूं जिसका ताल्लुक़ किससे है इलाज से है एक नाम क्या है अर अर्रुकिया इसका नाम ही एक अर्रुकिया है इसका एक नाम अशिफा इसका एक नाम असलात रुकिया का मतलब इलाज शिफा का मतलब भी इलाज और सलात मतलब दुआ तो इन तीनों चीजों के ताल्लुक से अगर हम नहीं सोचते तो फिर सूरतुल्फात गर चे हमें याद है तो याद होने का कोई फायदा नहीं अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तालों ने क्या किया था जब उस गांव के सरदार को किसी जहरीले जानवर ने डंक मार दिया डस लिया क्या किया उन्होंने सिर्फ सूरतुल्फा पढ़ करके दम किया ठीक हो गया वो और सिर्फ ठीक ही नहीं हुआ अच्छा खासा हो गया और उसने तोहफे में बकरी भी दी तोहफे में कीमत भी दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग लेकर के आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा काम किया तुमने मेरा भी हिस्सा लगा लो इसमें मेरा भी हिस्सा लगाओ जो मिला है तुमको मेरा भी हिस्सा लगाओ तो फातिहा इसका नाम रुकिया है ही और तकरीबन तमाम लोगों को अलहद याद होती है क्या अपने बच्चे पर या अपने आप पर फातिहा पढ़ करके कर दम नहीं कर सकते आप और फातिहा में ऐसा क्या है गोया कि इसमें मुकम्मल क़ुरान है इसमें तोहैद है इसमें इबादत है इसमें क़यामत का तस्करा है इसमें साथ ही साथ दुआ भी है और इसमें क्या है ईया का ना व ईया का न दोनों चीज़ें आ गई इबादत भी और अल्लाह से मदद भी तो आपने अगर ये इकरार कर लिया अल्लाह तू मेरा रब अलहमदिल्ला रबीआलम तमाम तारीफ उस अब का आपने उस रब की तारीफ कर दी तो वो रब आपके काम आ जाएगा आपने उसको रहमान कह दिया अर रहमान रहीम मेहरबान है तो अल्लाह बीमारी नीयत आपकी है कि किस मौके से आप पढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर अल्लाह मेहरबानी करेगा रहमत नाजिल करेगा और आगे हम इबादत करते हैं तेरी ही और तुझसे ही मदद मांगते गोया कि आपके बैकग्राउंड में यह है कि अल्लाह मेरे ऊपर मुसीबत है ये बीमारी है हम तुझसे मदद मांग रहे हैं हमारी इस बीमारी को परेशानी को दूर कर दे उसके बाद एक दिन सरातल सरातलमसकीम सरातल तलीम जिसका तर्जमा आप जानते हैं तो हर एक को जब ये याद होता है तो और याद रहे ये भी कि शिफा और बीमारी सब किसके हाथ में अल्लाह के हाथ में इब्राहिम ने क्या कहा था वन इज़ मरीज तो फहुआ जब मैं बीमार होता हूं तो शिफा कौन देता है अल्लाह देता है अल्लाह देता है। आप रुकिया करें आप दम करें लेकिन ये रुकिया में तासीर कौन पैदा कर रहा है अल्लाह पैदा कर आपके रुकिया करने से आप ठीक नहीं हो रहे हैं बल्कि आपने अमल किया तो तासीर अल्लाह ने पैदा किया और फिर अल्लाह की तासीर पैदा करने की वजह से आप ठीक हो जाएंगे लेकिन हम नहीं करते सूरतुल्फात या मुकम्मल इलाज है मुकम्मल इलाज जब भी आपका बच्चा आपकी बच्ची आपके घर में कोई भी बीमार हो पहली फुर्सत में सूरतुल फातिहा पढ़ करके दम कर दे कुछ काम नहीं किया अबू सैद खुजी र्ल ने कोई दुआ नहीं पढ़ी कोई और अमल नहीं किया कोई कुरान की और राहत नहीं पढ़ी सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ करके दम कर दिया बदले में प्यारे नबी सल्ला वसलम की तारीफ भी मिली और उम्मत को एक कायदा मिल गया एक तरीका मिल गया कि अगर कोई बीमार हो यहां तक कि जहरीला जानवर भी अगर डंक मार ले डस ले तो इस सूरा को पढ़ करके दम कर दो उसको इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगी लेकिन वही शर्त है ईमान होना चाहिए यकीन होना चाहिए तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह पर एतमाद होना चाहिए कि हाँ मैं इस नीयत से पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह ही बीमारी दूर करने वाला है ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है अब अल्लाह ही शिफा देने वाला तो ये पहला तरीका है कि आप फातिहा के जरिए अपना और अपने बीमारों का इलाज करें बजाय इसके क्या आप परेशान हों डिडोरा पीटे, किसी राखी को बुलाएँ फ़ोन करें उसको पैसे दे, बर्बाद करें गलत बात आप सबसे पहले अपना और अपने बीमारों का इलाज करते हुए रुकिया करते हुए सूरत पढ़ने का अहतमाम करें नंबर दो मुआवज़त सूरतलफल और नास सूरत ताला फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों के नाजिल होने से पहले मुख्तलिफ दुआएं पढ़ करके अल्लाह की पनाह मांगते थे लेकिन जब ये दोनों सूरतें नाजिल हो गई तो बकिया तमाम दुआओं को आपने छोड़ दिया इन्हीं दोनों को पकड़ लिया क्या है इन दोनों सूरतों में आप शैतान से बचते हैं शैतान के वसवसे से बचते हैं लोगों के हसद से बचते हैं बुरी नजर से बचते हैं जादू से बचते हैं और हर किस्म की बुरी चीज़ों से बचते हैं आप लोगों के शर से भी बचते हैं छः सात आठ जो भी आप कह लें वो इन सारी बीमारियों परेशानियों खराबियों के लिए ये दो सूरतें काफ़ी हैं बिरब्बिल फल कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ किससे मिनशर्री मा खलक तमाम मखलूक की शर से अब मखलूक में कौन कौन आ गया हर कोई जिसको हम जानते हैं या जिसको हम नहीं जानते वो सब इंसान जानवर चरिंद परिंद मछलियां जो कुछ भी कीड़े मकूड़े जिनको हम जानते भी नहीं वो सब शामिल है इसके अंदर मिन शर्री मा खल नंबर एक वह मिनशर्र गा से खनिदावकब अधेरा कोई अच्छी चीज नहीं है और अक्सर गलत काम क्या होते हैं अंधेरे में ही अंजाम दिए जाते हैं तो कहा कि जब अंधेरा छा जाए तो इसके शर से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कहीं अंधेरे में मेरे साथ मेरे घर वालों के साथ या मेरे माल के साथ मेरी दुकान मेरी तिजारत के साथ कुछ गलत ना हो जाए ओमिन शर्र वकब अंधेरे के शर से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए नंबर दो नंबर तीन वोिन शर्र ना फिलुद गिरोहों में गठियों में फूंकने वालियों के शर से मैं अल्लाह की पना चाहता तो यानी जादू तीन चीजें हो गई नंबर शर चारिहा दिन हसन जादू बराक है जादू लग जाती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जादू कबीरा गुनाहों में से करार दिया जादू कबीरा गुनाहों में से वो हदीस आपको याद होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सात हलाक करने वाली चीजों से बचो उसमें एक नाम क्या लिया व शहर जादू जादू इसीलिए अल्लाह ने कहा सुलेमान और अलैहि सलाम ने कुफ्र नहीं किया यानी जादू का अमल सीख करके या जादू का अमल करके उन्होंने कुफ्र नहीं किया यानी ना ही उन्होंने जादू सीखा और ना ही ऐसा कोई काम किया तो जादू सीखना जादू का अमल करना जादू का अमल करवाना ये सब कुफ्र है और ये हलाक कर देने वाला गुनाह है तो नंबर तीन के हम अल्लाह आलमीन की पनाह मांगते हैं किससे जादू से नंबर चार हासीदिन इधा हसद हसद करने वाले के शर से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जब वो हसद करने आप देखें हासिदीन बहुत हैं हमारी किस चीज पर वो हमसे हसद करने लग जाए हमें नहीं पता हमें नहीं पता हमारे घर की कोई चीज़ देखकर, हमारे जिस्म में कोई चीज़ देखकर, हमारी सेहत देखकर, या किसी इंसान का बाल अच्छा है किसी इंसान की बॉडी अच्छी है किसी इंसान की आँख अच्छी है किसी की उंगलियाँ अच्छी हैं क्या क्या इंसान देख करके कौन कौन सी चीज़ में मुबतला हो जाता है हमें अंदाज़ा नहीं तो लोगों के हसद से कि आपको तिरछी नजर से वो देखें आपकी चीज खराब हो जाए वो चीज खराब हो जाए उनको नहीं मिला तो इसको कैसे मिल गया ये सारी चीजें तो ऐसे लोगों के शर से बचना है तो क्या करें का करें ये फलक का तर्जुमा हुआ नास में अल्लाह ने क्या कहा कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूं लोगों के रब का हवाला क्यों दिया ये क्यों नहीं कहा मैं अपने रब की पनाह मांगता हूं इसलिए कि नजर हसद ये किसी की तरफ से भी आ सकता है और तमाम चीजों का तमाम लोगों का रब कौन है अल्लाह ये जैसे मेरा रब वैसे सब का रब तो वही रब जो लोगों का रब है और जिन लोगों की तरफ से मुझे कोई नुकसान हो सकता है तो उन्हीं तमाम लोगों के रब से मैं अल्लाह के रब की मैं पनाह मांगता हूं आगे क्या कहा मलिकास वो लोगों का बादशाह वही है इलाहन्नास लोगों का महबूद भी वही है तीनों चीजें जिक्र कर दिया है मालिक वही रब वही और बाबूद वही तोहिद उलोही तोहिदे रे दोनों आके आगे क्या कहा मिन वस्वासिल खन्नास वस्वसा दिलाने वाले और पीछे हट जाने वाले के शर से उसकी बुराई से अल्ल जो युवस्वीसु वस्वसा डालता है कहा फीसुदूरनास लोगों के दिलों में मिनल जिन्नती थी वन्नास जिन्नातों में से भी हो सकता है और इंसानों में से भी हो सकता तो ये शरीर बदमाश लोग हर जगह होते हैं बज दफा इंसान किसी की वजह से परेशान होता है और घर वालों को लगता है कि अरे ये तो इसके साथ कुछ गलत हो गया इसको जादू कर दिया गया है बास दफा वो लड़की जिसके मसले को लेकर के आप परेशान होते हैं ना स्कूल का कोई मसला होता है कॉलेज का कोई मसला होता है कोई टॉर्चर कर रहा होता है उसके साथ कोई हादसा हो चुका होता है वो आपको बताती नहीं है वह आपको उसने बताया नहीं है लोगों की तरफ से वो सुन रही है बात अल्लूसूफी सुदूर इन्नास लोगों की तरफ से इतनी बातें उसको सुना दी गई हैं कि आपको देख करके ऐसा लगता है कि ये जो है डिप्रेशन में चली गई इसके साथ इस पर आसेब आ गया इस पर जिन्नात चढ़ गया इसको जो है रुकिया कराना पड़ेगा तो किसी प्रोफेशनल को लेकर के आओ ताकि अच्छे से ये सारा काम हो जाए ये दोनों सूरतें इनका नाम ही क्या है वहावतें यानी वो दो सूरतें जिनको पढ़ कर करके अल्लाह की पनाह मांगी जाती है किससे इन सारी चीजों से जादू बुरी नजर हसद और जो है रात के शर से और मुख्तलि चीजें जो आपने सुना जो आप जानते हैं तो अपना रुकिया अपना इलाज अपने बीमारों का इलाज ये दोनों सूरतें पढ़ करके भी आप कर सकते हैं नंबर तीन नंबर तीन क्या है आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को बतौरे ख़ास क्या कहा पढ़ करके सोया करो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर कर दिया जाएगा वो हिफाजत करता रहेगा सुबह तक बिला खौफ की सोचो कोई नुकसान नहीं होगा और खास तौर से रात में क्यों इसलिए कि रात में एक रात ऐसी होती है रातों में कि अल्लाह बीमारियां नाजिल करता है अल्लाह बीमारियां नाजिल करता है सही मुस्लिम वगैरह कह दी से एक रात इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बर्तन ढक करके रखो चाहे एक से आड़े में लकड़ी ही क्यों ना रखो लेकिन बर्तन ढक करके सोया करो कोई बर्तन खुला हुआ नहीं रहना चाहिए कोई भी बर्तन खुला हुआ नहीं रहना चाहिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमको बचाने के लिए हमारी हिफाजत के लिए कि अपने आप को बचा करके रखो और इसीलिए आयतुल कुर्सी पढ़ने का भी अहतमाम किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और सहाबा को तालीम दी और ये खुद शैतान का बताया हुआ वजीफा है यह खुद शैतान ने बताया अबू हुरैरा रजी अल्लाह तुख को

तो क्या है अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा तुम्हारे पास शैतान नहीं आ पाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए बताया तो नबी ने क्या फरमाया सा वजूब बात तो सच कही लेकिन था झूठा है झूठा वो लेकिन बात उसकी सच थी यानी यह वाला मसला जो उसने बयान किया है वो सच्ची बात बयान की पता क्या चला झूठा भी कभी, कभी कभी सच बोलता है झूठा भी कभी कभी सच बोलता है तो आयतुल कुर्सी अगर पढ़े और आयतुल कुर्सी में क्या है सिर्फ अल्लाह की सिफात है कुछ और नहीं कुछ और नहीं है आप जैसे जैसे पढ़ते जाते अल्लाह अलायल क्यूब गोया कि आप अल्लाह को अजीम मान रहे हैं बड़ा मान रहे हैं हमेशा से ज़िंदा मान रहे हैं हमेशा रहने वाला मान रहे हैं उसे ओंग नहीं आती नींद नहीं आती आसमानों ज़मीन की सारी चीज़ें उसी के हम भी उसी के और उसके पास कोई सिफारिश नहीं कर सकता उसकी इजाजत के बगैर वो सारे लोगों का कच्चा चिट्टा आमने सामने आगे पीछे माजी हाल मुस्तबिल सब कुछ वो जानता है और कोई भी उसके इल्म का अत नहीं कर सकता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में क्या क्या चीज़ें हैं और उसकी कुर्सी इतनी अजीम है कि आसमान ज़मीन को उसने घेर रखा है और आसमान ज़मीन का निज़ाम आसमान ज़मीन की हिफाजत करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन थकता नहीं है वो अज़ीम वो बहुत बुलंद है और बहुत अज़ीम है सिर्फ़ अल्लाह की सफ़ात है तो आपने अल्लाह को जब सब कुछ मान लिया तो अल्लाह क्या करेगा कुछ तो ख़्याल रखेगा ना अल्लाह को आप एक बार सिर्फ अल्लाह अकबर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं आपके नाम का पेड़ लगा दिया जाता है जन्नत में आपके नाम का एक पेड़ लगा दिया जाता है आपके खजूर का एक पेड़ लगा दिया जाता है तो आप तस्वूर करें इतनी सिफात अगर अल्लाह के आपने जिक्र कर दी कि जिसके अंदर सोलह सत्रह सिफात हैं अल्लाह की तो सोलह सत्रह सिफात अगर आप जिक्र कर दें अल्लाह के नामों का सिफात का खूबियों का तस्करा कर कितना खुश होगा वो अल्लाह तो अल्लाह तला हिफाजत करेगा बतौर खास शैतान से हिफाजत चाहिए कभी कभी होता है ना शैतान की तरफ से आया हमें क्या लगता है अरे बीमारी शैतान की तरफ। ठीक है अच्छी बात है गलत नहीं है तो अब उसका इलाज क्या है आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम कर दो रुखिया कर दो इलाज कर दो आयतुल कुर्सी पढ़ो और दम करो इंशाल्लाह काम हो जाएगा ये तीसरी चीज चौथी चीज क्या है बकरा की आखिरी दुआत हम तकरीबन जानते सब है मैं कोई नई बात नहीं बयान कर रहा बस आपको इशारा दे रहा हूं कि हमें बर वक्त याद नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए तो इसलिए इस सारी चीज़ों को आप याद रखें जब भी कोई बीमार हो मुसीबत में हो परेशानी में हो तो क्या करें इन में से कोई भी या सारी दुआएं पढ़ करके आप दम करेंगे इंशाल्लाह आपका बीमार ठीक हो जाएगा या आप ठीक हो जाएंगे तो नंबर चार सूरह बकरा की आखिरी दुआएं थे आमन रसूलू से अलौमी काफ़रीन तक देख करके भी पढ़ सकते ऐसा नहीं है कि देख कर नहीं पढ़ोगे तो जैसे एग्ज़ाम में होता है भाई कि अगर देख करके लिखा तो फेल हो जाओगे यहाँ नहीं है देख करके पढ़ो चाहे बगैर देखे पढ़ो सवाब इंशाल्लाह उतना ही मिलेगा आपको इस दोनों आयतों के हवाले से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान की क्या बयान किया अल आचानी मिन आखिर आखिरी अल बकरा मन क़ारा आहुमा का फचाओ क्या कहा सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें जो किसी रात में पढ़े तो ये दोनों आयतें उसके लिए क्या हो जाएंगी काफी हो जाएंगी और कमाल की बात क्या जानते हैं ये नहीं जिक्र किया कि किससे काफी होंगी अजबिल्ला मीन शैतान रजीम हम कहते हैं ना तो सिर्फ इतना नहीं कहते आउजबिल्ला मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं आगे क्या कहते मीन शैतान रजीम तो गोया कि हमारे जहन में एक होता है किससे पनाह मांग रहे हैं हम शैतान से लेकिन जब नबी ने कहा काफा चाहू ये दोनों आयतें उसके लिए काफी हो जाएंगी तो ये नहीं कहा किससे मिन शैतान या मिन मिनशरनास या जो है कुछ और जिक्र नहीं किया कॉमन बात रखी जिस चीज को भी आप अपने लिए बुरा समझते हैं उन सारी चीजों से ये दोनों आयतें आपके लिए काफी हो जाएंगी अब आप अपने लिए किस किस चीज को नुकसान दे समझते हैं उन सारी चीजों से आपके लिए काफी अच्छा बीमारी नहीं आई है परेशानी नहीं आई उससे पहले भी इसको पढ़ सकते हैं बीमारी आ चुकी है उसके बाद भी इसको पढ़ सकते हैं अपना रुकिया और अपना इलाज कर सकते हैं इन दोनों आयतों में क्या है इन दोनों आयतों में इंसान पहले तो ईमान का हवाला देता है आमा रसुलबीमा उनब ही वलमोमिन पहले ईमान का जिक्र करता है फिर उसके बाद अपनी बेबसी का जिक्र करता है कि अल्लाह मैं बेबस हूँ लाचार हूँ ला यूकल्फ़ुल्लु नफ़सन अल्लाउ लहा मकसबत वाड़ा मकत पूरा जिक्र करता है उसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांगता रब बना ला तू आखिद ना इन नसी ना वक्ताना अल्लाह अगर हम भूल जाएँ कोई ख़तः हो जाए लफजिश हो जाए तो हमारी पकड़ मत करना और पहले के जैसे लोगों पर बोझ डाला गया था हमारे ऊपर मत डालना और जिस चीज़ के हम ताकत नहीं रखते उस चीज़ का हमें मुतमिल मत बनाना कि यह चीज़ तुम्हें करना है इसके बाद बंदा क्या कहता है क्या कहता है अल्लाह रब्लम से वाफ आना अल्लाह हमें माफ़ करते वक्फी लाना हमारी मकफिरत फरमा व तो रहम ना रहम फरमा अंत मऊलाना तू हमारा मौला तू ही काम आने वाला लिहाजा का फिर कौम के मुकाबले में अल्लाह हमारी मदद है इसमें हर तरह की चीज आ गई तो इसीलिए नबी ने काका का जो भी यह दोनों आयतें पढ़ लेगा यह दोनों आयतें उसकी तरफ से क्या हो जाएंगी काफी हो जाएंगी किस चीज से जिस चीज को आप समझे उस चीज से आपके लिए काफी हो जाएंगी यह चौथी चीज है पांचवी चीज जो बहुत आसान है और बच्चों को भी ये दुआ याद होती है लेकिन बात तौफीक की है कि हम पढ़ते नहीं है। वो क्या है घर से निकलते वक्त की दुआ ये भी रुकिया है रुकिया का मतलब हम क्या समझते है? भाई बीमारी आ जाए तभी पढ़ना है नहीं बीमारी ना आए उससे पहले भी आपको पढ़ना है ताकि बीमारी ना आए ताकि आप बचे रहें तो घर से निकलते वक्त की दुआ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए याद तकरीबन सबको है बसमिल्ल ही तवक्ल तो अलल्ला ही लाहबिल् कुछ इसमें नहीं सबको याद है खाली वो बीच वाला एक टुकड़ा तवक्ल तो अलल्ला थोड़ा किसी के लिए भारी हो सकता है और ना बिसमिल्ल भी सबको मालूम है ला हौला वला कुव्वता इल्ला लाहबिल्ला भी सबको मालूम है तवक्ल तो अलल्ला थोड़ा अरबी के हिसाब से थोड़ा मुश्किल लगेगा लोगों को लेकिन है आसान सब तीन जुमला है बस सिर्फ तीन जुमला बिस्मिल्ला तो वक्ल तो अब हदीस आप देखें हदीस में क्या कहा अगर पढ़ करके बंदा निकले तो क्या कहा जाता है हुदीता वह कुफीता वह उकीता तीन जुमले कहे जाते हैं कि भाई तुझे हिदायत दे दी गई तेरे लिए काफी हो गया और तुझे बचा लिया गया बंदा तीन जुमला कहता है अल्लाह की तरफ से बदले में तीन जुमले में जवाब भी मिलता है अल अलजसा जैसा आप करेंगे वैसा ही बदला मिलेगा तीन आपने कहा बदले में जवाब में भी तीन जुमला अल्लाह की तरफ से आता है और तीन जुमले में क्या अल्लाह जवाब देता है आपने कहां से शुरू किया था बिस्मिल्लाह घर से निकले थे अल्लाह के नाम पर निकले थे तो हुई था हिदायत दे दी गई यानी बंदे जिस अल्लाह के नाम पर तू निकल रहा है वही अल्लाह तुझे हिदायत दे दिया उसने और हिदायत देने में क्या है यानी आपका ईमान बाकी रह गया और साथी साथ ही साथ साथ ही साथ की जिस अल्लाह के नाम पर तुम निकल रहे हो उसी अल्लाह ने तुम्हें यह दुआ पढ़ने की तोफ़ी दी है वरना होता क्या है याद तो है लेकिन बस मोबाइल उठाया निकल गए किसी से बात करते हुए निकल गए घर वालों से बात करते हुए निकल गए बच्चे से बात करते हुए निकल गए तोफ़ी नहीं मिली बात तोफीक की। तो इसीलिए जब बंदा पढ़ लेता है तो जवाब में क्या आता कुफीता काफी तेरे तुझे हिदायत दे दी गई उसके बाद बंदे ने क्या कहा था तोल तू अल्लाह मैं अल्लाह पर मैंने तवक्ल कर लिया भरोसा अल्लाह क्या कहता है कुफीता जिस अल्लाह पर तूने भरोसा किया वो अल्लाह तेरे लिए काफी हो गया अल्लाह तेरे लिए इसीलिए हम क्या कहते हैं वकीला मदद करने के एतबार से अल्लाह काफी इसीलिए अल्लाह ने कहा जब भी कोई काम करो तो क्या करो फतव अल्लाह पर तोल कर लो अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद है। आप घर से निकले घर के बाहर हंगामे हैं फितने हैं खराबियाँ हैं जगह जगह आपकी नज़रों को बर्बाद करने वाली चीज़ें जगह जगह हमारे ईमान को खतरे में डालने वाली चीज़ें हैं तो हमने अगर दुआ पढ़ लिया आप इलाके में निकल रहे हैं ना न ना जाने क्या क्या है कैसे कैसे लोग हैं बीमारियां हैं परेशानियां हैं हंगामे हैं फितने हैं फसाद है न जाने कैसी कैसी चीजें आपने दुआ इतनी अजीम दुआ है कि इस दुआ की गहराई को अगर हम समझ लें तो कभी भी हम दुआ को तर्क न करें अपने आप को भी इस दुआ का पाबंद बनाएं जब भी घर से निकले इस दुआ को जरूर पढ़ा करें अपने बच्चों को पाबंद बनाए बहुत सारी बुरी गंदी गलत चीजें बाहर है उनसे बचना है तो इस दुआ को पढ़ें तो बंदा अल्लाह ताला क्या कहता कुफी था काफी कर दी गई तेरे लिए ये दुआ तूने पढ़ लिया बंदे ने तीसरा जुमला क्या कहा था ला हौला वला इल्ला बिला कोई ताकत और कुव्वत नहीं सिवाय अल्लाह यानी मैं बाहर निकल रहा हूं तो अल्लाह मेरे साथ है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अगर कोई कुछ करेगा तो वो अल्लाह की मर्जी से करेगा वो अल्लाह की मशीयत अल्लाह की चाहत होगी तभी मेरे साथ कुछ हो सकता है वरना नहीं हो सकता तो इसलिए अल्लाह जवाब में क्या कहता उकीता जा तुझे बचा लिया गया तुझे कुछ नहीं होगा तुझे बचा लिया गया अच्छा उसके बाद आगे देखें हदीस का टुकड़ा है वन अनु शैतान शैतान उससे दूर हो जाता है और बाज रिवायत में ये जुमला भी है कि जो शैतान दूर हो जाता ना जो इसको बहलाने फुसलाने के लिए आ रहा था कि भाई चल ये भी देख वो भी देख इधर जा उधर जाओ इधर नजर घुमा उधर नजर घुमा ये कर वो कर तो वो शैतान जब अलग हो जाता है तो दूसरा उसका साथी शैतान आता है कहता है कि जिस बंदे ने ये दुआ पढ़ करके अपने आप को घर से बाहर निकाला हो तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो लेकिन हम एहतमाम नहीं करते ये भी रुकिया है ये भी इलाज है हर तरह की मुसीबत से परेशानी से बचने का घर से बाहर निकलना सभी को पड़ता है लेकिन दुआओं की तोफीक नहीं मिलती दुआ पढ़ा करें बिस्मिल्लावक्ल तो बिल्ला एक दुआ है कि जो आपको आने वाली आफतों से बीमारियों से बचाने वाली है वो दुआ क्या है सुबह और शाम के अस्कार में तीन तीन मरतबा शामिल है क्या है في السماء फिल السميع العليم ये भी आसान सी है कोई भी पढ़ सकता है कर सकता है सुबह में तीन मरतबा शाम में तीन मरतबा और उसके अलावा जब चाहे पढ़ सकता है लेकिन गिनती फिक्स नहीं करेगा कि कितनी बार पढ़ना है जब चाहे तब पढ़ सकता है लेकिन जहाँ फिक्स है कि इतनी बार पढ़ना है वहाँ उतनी ही बार पढ़ना है और जहां आम है वहां आम है जब चाहे आप पढ़ सकते हैं जितनी मरतबा चाहे आप पढ़ सकते हैं तो क्या है ये अल्लाह के नाम से लदरुमी कि जिसका नाम आ जाए तो कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती फिलहाल अलाफ इस समा ना ही ज़मीन में और ना ही आसमान और वो सुनने वाला जानने वाला यानी अगर मेरे साथ किसी ने कुछ किया भी ना तो अल्लाह सुन रहा है अल्लाह को मालूम तो नुकसान से अचानक आने वाली आफतों से परेशानियों से बीमारियों से बचना है तो क्या करना होगा ये दुआ पढ़े सुबह में शाम में तीन तीन मरतबा पढ़ लें तो इन अल्लाह की तरफ से आपकी हिफाजत होगी और आप बचा लिए जाएंगे अगला हमारा जो रुकिया की एक दुआ जो है वो दुआ क्या है बज दफ़ा देखें हम निकलते हैं ना सफ़र पर हमें जाना होता है या हम करला से गए तो कहीं किसी और इलाक़े में गए तो वहाँ का मौसम अच्छा नहीं है वहाँ हो सकता कोई बीमारी हो वहाँ हो सकता कोई और चीज़ हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन नजल मंजिलान जो किसी जगह जाए और ठहरे वहां रुके तो रुकने के बाद उसे एक दुआ पढ़नी चाहिए क्या दुआ है شر ما خلق. ये दुआ इतना सा है बस छः सात अल्फाज है من बिकली मा خلق. आगे नबी ने क्या कहा हदीस में अगर कोई कहीं गया और वहां वो रुका उसके बाद ये दुआ उसने पढ़ लिया तो फरमाया दुर्रूह उन उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी हत्या मंजिली जाली यहाँ यहां तक कि अपनी वो उस जगह से निकल जाए जब तक वहां रहेगा इस दुआ की हिफाजत में रहेगा वो हमें देखे सफर करके कहाँ जाना पड़ता है बज दफा काम से बाज दफ़ा किसी जरूरत से बाज दफ़ा कुछ और करने के बाज दफा यूँ ही घूमने हम पिकनिक मनाने चले जाते बच्चों को लेकर के कहीं निकल गए और वहां से आए तो पता चला बीमार हो गए क्यों बीमार हुए क्योंकि दुआ नहीं पड़ी हमने बज दफ़ा निकल गए कई चार पांच घंटे के सफर पर वहां का मौसम अजीब था वो मौसम हमें रास नहीं आया क्लाइमेट हमें सूट नहीं हुआ तो होता है ऐसा तो अगर कहीं जाए तो ये दुआ पढ़ ले और तजुर्बा करके देखें इसका फायदा आपको होगा नबी ने कहा तो गलत नहीं हो सकती बात अर उ धुबी के लिए मात थी मिनशर्रिमा खल मैं अल्लाह के मुकम्मल कलेमात की पनाह में आता हूँ किस से मिनशर्रिमा खलक तमाम मखलूक़ के शर से यानी हो सकता है भाई आप किसी इलाके में गए हैं हो सकता है वहाँ अचानक फितना हो जाए हो सकता है लड़ाई हो जाए और आप जो है उस लड़ाई की भेंट चढ़ जाए हो सकता है फसाद की आग भड़क उठे हो सकता है कोई और मामला हो जाए हो सकता है आपके चेहरे का के किसी बंदे को तलाश किया जा रहा था इतफाक से आप उसके चेहरे के थे लोगों ने पकड़ लिया आपको मार दिया कुछ भी हो सकता है और ये दुनिया वैसे भी मतलब ये दौर ऐसा आ चुका है फितने और फसाद बढ़ चुके खराबियां खराबियाँ बढ़ चुकी हैं हंगामे हो चुके हैं कत्ल जो है कसरत से हो रहा है तो इसीलिए अपनी हिफाजत हमारे अपने हाथ में अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल तरीक़ान बता दिए हैं अपना रुकिया अपना इलाज ख़ुद किया करें उसका एक तरीक़ा यह है कहीं सफ़र करके जाएं वहां रुकें तो ये दुआ पढ़ लें आऊ दूबी कलीमातम ही मिनशर्र खलक अच्छा बज दफ़ा बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बच्चों की बीमारी बच्चों की परेशानी वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर पाते ज़ाहिर सी बात है मोहब्बत होती है तो सोचते हैं जल्दी में ऐसा क्या करूं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो इसीलिए यहाँ वहाँ चक्कर लगाते और कई दिन गुजर जाता है बच्चा ठीक नहीं होता तो उसे तावीज़ पहना दिया उसे धागा बाँध दिया उसे जो है कहीं से कुछ और ले आए उसके हाथ में उसके बाजू में कहीं और बांध दिया भाई मोहब्बत में गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए मोहब्बत अच्छी चीज़ है लेकिन मोहब्बत जब हद क्रॉस कर जाए तो गलत हो जाती है चाहे जैसी मोहब्बत हो अगर हद पार कर जाए तो फिर यह गलत हो जाती है मोहब्बत अल्लाह के बनाए हुए हदूद के अंदर रहनी चाहिए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के हवाले से भी दुआ सिखाई है कि रुकिया क्या करें क्या रुकिया है हज़रत हसन हुसैन रबी अल्लानुमा को नबी अलैहि वसल्लम रुकिया करते थे दम करते थे कैसे ओई वो दो थे तो इसीलिए कुमा कहते थे ओई बिकलीमत माखल यह बाज रिवायतों में और दीगर अल्फाज है कि मैं तुम दोनों खुलासा जिसका यह होता था कि मैं तुम दोनों को अल्लाह के मुकम्मल कलीमात की पनाह में देता हूं तो आप भी ये दुआ अपने बच्चों पर या बच्चे पर या बच्ची पर एक हो दो हो तीन हो जैसे भी हो आप उन तमाम को सामने रख करके एक बीमार है तो तमाम लोगों पर भी कर सकते हैं घर वालों पर भी कर सकते हैं दम कर देना चाहिए बतौर ख़ास बच्चों के लिए नबी सल्लाम ने यह नुस्खा बताया और आपका ये तरीक़ा है तो बजाय परेशान होने के बजाए यहाँ वहाँ भागने के आप सबसे पहले ये काम करें अच्छा एक बात यहाँ और जो मैं कई बार कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ कि देखें मौलवी साहब जो है ना इमाम साहेब आलिम साहब या जो है कोई और बड़ा कोई बुज़ुर्ग इंसान होगा होगा वो अपनी जगह लेकिन कहीं भी हदीस में यह नहीं आया है कि किसी के बच्चे के हक में इमाम साहब की, की दुआ कबूल होती है बल्कि नबी ने क्या कहा वालिद की बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है हम सोचते नहीं है इसको हम फौरन बच्चे को उठा करके लेकर इमाम साहब के पास जाए इमाम साहब दुआ कर दो अच्छी बात है आपका दुआ पर इमाम साहब पर या जिसके पास भी आप ले जाते हैं यकीन ईमान है, है अच्छी बात है लेकिन जो चीज हदीस के अंदर है आप बाप हैं बाप आप मां हैं तो बाप और मां की दुआ अल्लाह आलमीन रद्द नहीं करता अपनी औलाद के हक में सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है बजाय इसके कि आप लेकर के यहां वहां भागें दुनियावी इलाज कराएं कोई मसला नहीं है लेकिन बच्चा बीमार हो बीमारी की अलामत दिखाई दे तो आप सबसे पहला काम करें और जैसा कि मैंने कहा कुछ भी पढ़ करके आप फातिहा ही पढ़ करके आप दम कर दें फातिहा याद दे। है फातिहा पढ़ें दम करें यकीन के साथ पढ़ें और जिस मोहब्बत के साथ मैं जुमला दोहरा रहा हूं जिस मोहब्बत जिस जज्बे के साथ आप दुआ कर सकते हैं इमाम साहब दुआ नहीं करेंगे इमाम साहब ऐलान कर देंगे भाई ये चिट्ठी आई है फलां साहब के वाल साहब बीमार हैं कोई वेंटिलेटर पर है किसी का ऑपरेशन होने वाला है दुआ करो कि अल्लाह शिफा दे और जो है उन्हें अपनी दुआओं में याद रखो बात ख़त्म हो जाएगी लोग आमीन कह देंगे फिर कहाँ कौन किसके लिए दुआ करता है सब अपना अपना देखो कि कौन किसके लिए दुआ करता है चिट्ठी आती है यहाँ से ऐलान होता है कौन हाथ उठा करके दुआ करता है कि भाई फ़लाने साहब के वालि साहब बीमार हैं हॉस्पिटल में एडमिट है अल्लाह ताला तो शिफा दे दे आपके अपने घर का कोई बीमार है बच्चा बीमार है बीवी बीमार है शोहर बीमार है बेटी बीमार है माँ है बाप है भाई है बहन है जो भी है आप सबसे पहला अपना काम करें कि दम करें उस पर सूरतियाँ ही सही पढ़ करके दम कर दें और याद रहे कि अगर बतौर ख़ास अगर बच्चा है बच्ची है आपकी अपनी औलाद है और आप माँ बाप हैं तो माँ बाप की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद के हक़ में कबूल किया करता है इसीलिए बतौर ख़ास बच्चों का जब मामला हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें एक और चीज़ जो तजुर्बा करके हम देखें वो क्या है दर्द से नजात की दुआ बस दफ़ा क्या होता है दर्द इतना बढ़ जाता है ना कि कंट्रोल नहीं होता इंसान चीखता चिल्लाता हालांकि ताकतवर है वो लेकिन दर्द ऐसा हुआ खास तौर से पथरी वगैरह के मसाइल जो और दीगर मसाइल जो हैं दर्द इतनी शिद्दत से बढ़ता है कि इंसान परेशान सा हो जाता है या बज दफ़ा सर का दर्द शुरू होता है पेट का दर्द शुरू होता है या और किसी तरह का कोई दर्द है औरतों के अपने मसाइल हैं जो भी दर्द से नजात की दुआ तीन मरतबा बिसमिल्ला पहले हाथ रखना है कौन से साबित है उस्मान बिन अबिल आस रजी अल्लाह तू कहते जब से मैं इस्लाम लाया तब से मुझे मुसलसल कंटिन्यू अपने जिसम में तकलीफ रहती थी शिकायत रहती थी दर्द होता था मुसलसल दर्द होता था तो मैं आया नबी सल्हलम के पास मैंने शिकायत की अल्लाह के नबी ऐसा मामला है अब आप देखें यहाँ नबी ने राखियों को प्रमोट नहीं किया है नबी ने यह नहीं कहा फलाने साहब के पास चले जाओ दुआ कर देंगे नबी ने खुद भी नहीं किया हालांकि नबी करते थे भाई किसी को चोट लग गई अली रजिलान की आंख आई हुई थी जंगे खैबर के मौके से तो आपने क्या किया था अपना लुआब लगा दिया था आपका लुआब मुबारक था ठीक हो गए बस दफ़ा और किसी को हजरत बुबकर सिद्दीक रिल्ला हिजरत के रास्ते में क्या हुआ दो सुराख रह गए थे अपना पैर डाल दिया किसी जहरीले जानवर ने डंग मार दिया लेकिन बर्दाश्त किया कि नबी जो है गोद में सो रहे अगर जो है तकलीफ जाहिर करूंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो जाएगी और आप उठ जाएंगे आपकी नींद में खलल होगा लेकिन जब आंखों से आंसू निकलने लगे इंसान थे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो आंख से आंसू निकले वो आंसू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरे तो नबी जाग गए क्या हुआ अबू बकर कहा अल्लाह के नबी किसी जहरीले जानवर ने ड मार लिया मार दिया आपने क्या कहा लोब लगाया और वो ठीक हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से दुआ नहीं करवा सकते बिल्कुल करवा सकते हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यह तालीम दी कि तुम्हारा अपना इलाज तुम्हारे हाथ में है साहबी से जब उन्होंने शिकायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ये मसला चल रहा है जब से इस्लाम लाया हूं तब से जो है तकलीफ और हमारे यहाँ कोई ऐसा जो है बंदा इस्लाम लाया हो और उसको दर्द शुरू हो जाए तो लोग क्या कहेंगे अरे तो मुसलमान हुआ था जा सत्यानाश हो गया तेरा और वो दो चार लोग कह दें तो फिर से पलट जाएगा वो फिर से पलट जाएगा वो ऐसी सूरत हाल में उस बंदे की जिम्मेदारी क्या है अच्छे लोगों से मुलाकात उलमा से मिले जानकार लोगों से मिले वो उसको सही तालीम देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तालीम दी क्या कहा उस्मान जहां तुम्हारे जिस्म में दर्द है वहां अपना हाथ रखो और हाथ रखने के बाद तीन मरतबा कहो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला, अल्लाह के नाम से तीन मरतबा कहो उसके बाद सात मरतबा कहो बिल्लाहि वुदरती ही मिनशर्री मा आजीदू व उहादीरू क्या है इसका मतलब मैं अल्लाह की और उसकी कुदरत के जरिए पनाह मांगता हूँ किससे मिनशर्री मा आजीदू उस दर्द से उस तकलीफ से उस परेशानी से जो मैं महसूस कर रहा हूँ फील कर रहा हूँ व उहादीरू और उस शर से भी उस बुराई से भी जिसका मुझे अंदेशा है बस दफ़ा क्या होता है ना अब पेट में दर्द होने लग जाए तो देशे आने लगते हैं अरे कहीं मेरे को यह बीमारी तो नहीं है वो बीमारी तो नहीं है कहीं ये और दो चार लोग मिल जाए ना तो सब हकीम बन जाते हैं अरे तेरे साथ तो यह हो गया तेरे को वो गया, तेरे को हो गया तेरे को यह हो गया तेरे को तुझे चेकअप करा लेना चाहिए कब से हो रहा है यह हो रहा है सुबह से हो रहा है तो सारे लोग डॉक्टर हकीम बन जाते हैं कोई एम होता है कोई पी होता है कोई जो एम होता है कोई कुछ होता है हर कदम पर यह हकीम बैठा हुआ है और सारे नीम है कोई हकीम नहीं है इसमें से नबी सल्ला वसलम ने जो दुआ सिखाई ना उसके अंदर क्या है दो अल्फाज है मा अजिदु वह उहादिरु दो चीजें जो दर्द मुझे महसूस हो रहा है उस दर्द के शर से बुराई से अल्लाह की पना मांगता हूँ वह उहादिरू और जिसका मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे पथरी की बीमारी तो नहीं होगी कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गया कहीं मेरा बीपी लो और हाई होने का मसला तो नहीं है कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है कहीं मेरा हार्ट अटैक वाला मामला तो नहीं है ये जो अंदेशे आते हैं ना जो ख्याल घूम घूम के आते रहे अरे ये हो वो, वो हो तो कहा दोनों तरह एक तो दर्द जो दिखाई दे रहा महसूस हो रहा उससे भी अल्लाह की पना और जिसका अंदेशा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये बीमारी हो तो इससे भी मैं अल्लाह की पना मांगता क्या नाम लिया मैंने उस्मान बिन अबिल आसमान उस्मान बहुत सारे हैं साहब में कौन कौन से हैं उमान उस्मान बिन अफान और मजरून उस्मान बिन मजरून बहुत सारे उस्मान नाम के साहब हैं। तो ये कहते हैं सहाबी, जिनका मसला था नबी ने नुस्खा बताया मैंने नुस्खा लिया और उस पर अमल किया कहते उसके बाद अल्लाह ने मेरी तकलीफ दूर कर दी और ऐसे दूर कर दी कि कभी दोबारा वो तकलीफ नहीं हुई मुझे कमाल किस में है रुकिया करने में नहीं कमाल ईमान और यकीन में है ईमान और यकीन में आप भी अगर आपके सर में दर्द हो ना वल्ला ही मेरा भी अपना तजुर्बा हमारे बाद साथियों का भी तजर्बा है। आपके सर में दर्द हो पहली फुर्सत में मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूं जो हमारे अपने हैं बताता हूं कि जब भी सर में दर्द हो अपना हाथ रखो तीन मरतबा बिस्मिल्ला को सात व मरतबाऊद बिल्ला व वाजिर वा कह लो ईमान और यकीन के साथ इन श्ला थोड़े मिनटों में एक आध घंटे में आपको राहत महसूस होगी साहब ही कहते हैं मैंने अमल किया जिंदगी में दोबारा वो तकलीफ कभी महसूस नहीं हुई हमारे यहाँ ईमान नहीं यकीन नहीं भरोसा नहीं एतमाद नहीं तोल नहीं इसलिए हम पढ़ लेते तो असर भी दिखाई नहीं देता अल्लाह शिफा दे दे वो अलग बात है अल्लाह शिफा दे दे वो अलग बात है लेकिन हम सबसे पहली फुर्सत में क्या करते हैं पेन किलर आसान है ना दो रुपए में तीन रुपए में काम हो जाता है लेकिन वो आपके अंदर कितने नुकसान पैदा करके जाता है उसका अंदाज़ा आपको नहीं है वो आपकी बॉडी को कितना डैमेज करता है वो आपको अंदाज़ा नहीं है इंसान जो जल्दबाज है अब भी अब भी चाहिए अब भी नतीजा चाहिए तो ले नतीजा अभी लेकिन बाद में जो नुकसान होगा उसका क्या तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करें अपना रुकिया अपना इलाज खुद से करें एक और रुकिया एक और तरीका और वो है रुकिए जबरील रुक्य जबरील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए जबरील अमीन आल सलासलम आए सवाल किया अल्लाह के रसूल आप बीमार हैं कहा मैं बीमार हूँ मुझे तकलीफ है तो हजरत जबरील आ सलात सलाम ने रुकिया किया वो रुकिया जबरील के नाम से मशहूर हो गया पता चला दूसरे से भी आप रुकिया करवा सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ जो कोई दुआ करवाने जाते है ना हमारे अपने लोगों में तो अलहमदिल्ला मसला ठीक है इन दूसरे लोगों में चले जाना वो पान खा रहा होता मुंह भरा होता और दुआ जो फूं फूं कर रहा होता है मरदूद कहीं का सिगरेट पीता होठ पूरा काला पड़ा हुआ है और सारे लोग चले जाते हैं उसके बाद और बाद लोग तो पानी में दम करवा कर वो उसके सारा लुआब उसका जाता है उसके अंदर वो भी पीते कितनी मतलब कितनी अजीब बात है दुआओं से ज्यादा लोगों का जो है इन इन तमाम लोगों पर भरोसा हो गया ये बहुत बहुत अजीब चीज है मतलब तकलीफ होती इससे पिछले रमजान में एक साहब से मैंने कह दिया कि नहीं पानी वानी में फूक करके मैं दम नहीं करता हूं वैसे भी शरीयत ने पानी में खाने पीने की चीज़ों में फूकने से मना किया ठीक है अच्छी बात है आपका दुआ पर ईमान है कि आप किसी से किसी आलिम के पास इमाम साहब के पास दुआ करवाने लेकर के जाएं लेकिन पानी में नहीं खाने पीने की चीज़ों में नहीं बीमार को लाए बीमार पर दम किया जाएगा या अगर नहाना वाना है तो पानी पे दम करवा लो जाओ नहा लो लेकिन खाने पीने की चीज़ है कि खाना है उसको पीना है उस पर आप दम करवाओ फूकेगा उसका सब कुछ जाएगा मेडिकल फील्ड भी है कहती है कि भाई किसी दूसरे का फूँक आपके अंदर नहीं जाना चाहिए और पिछले दो साल ले कोरोना ने आपको ये भी बताया मास्क ने आपको सब कुछ समझा दिया कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं लेकिन जो है लोग जाते हैं वो जो है मतलब चरसी नुमा इंसान होता है वो गोवा गुटका सिगरेट बीड़ी सारी चीज़ों का आदि है वो लेकिन लोग पहुँच रहे हैं उसके पास और वो अपनी जेब गर्म कर रहा है तुम्हारा क्या तुम्हारा जाओ लोगों का लेकिन क्या है मैं नहीं कह रहा कि लोग जो है गलत नीयत से जाते हैं लोग अच्छी नीयत से जाते हैं लोगों का दुआओं पर ही मान है लेकिन लोग अपनी अहमियत भूल रहे हैं अपनी अहमियत आप खुद ये काम कर सकते हैं जो काम आप दूसरों से करवा रहे हैं यहां भी दुआ है वहां भी दुआ यहां भी रुक वहां भी रुक है आप खुद से करेंगे ज्यादा ईमान के साथ करेंगे आप खुद से करेंगे ज्यादा यकीन से करेंगे आप खुद से करेंगे ज्यादा मोहब्बत से करेंगे आप खुद से करेंगे ज्यादा जज्बात के साथ करेंगे और सबसे ज्यादा दुनियावी फायदा यह कि आपका पैसा नहीं जाएगा लेकिन अगर किसी और के पास आप गए तो वह आपका ईमान लेगा आपका अकीदा लेगा आपकी दुनिया लेगा आपके आखिरत भी लेगा कितने लोग ऐसे हमारे अपने बास लोगों में तकलीफ होती है फोन पर ही बता देते हैं तुम्हारी बेटी को आसेब है तुम्हारी बेटी को जादू है भे मरदूत कहीं का किसने बताया है तुमको आलिमुल गैब है तुमने ना चेहरा देखा तुमने ना सामने से देखा जो इंसान मुसीबत में है परेशानी में है जो लड़की है लड़का जो भी है उससे तुमने एक लफ्ज़ नहीं पूछा एक साहिल सवाल करने वाला फ़ोन पर कुछ बात कर रहा हो तुम फैसले सुना रहे हो ये ये कौन सी हरकत है और हमारे लोग चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे, रहे कौन से करवा रहा कौन से करवा रहा प्रोफेशनल प्रोफेशन पूरी दुनिया बन गई है अल्लाह दे हमारे शेख मुकीम फैजी रही को कि उन्होंने इस मौके से इसीलिए क्योंकि जो ये राकी हजरा इंसान के अकीदे पर हमला करते हैं अकीदा सबसे पहले बिगाड़ते और ये शैतान की भी सबसे पहली कोशिश होती है किसी से दम करवाना मना नहीं है मैं बार बार ये जुमला कह रहा हूं लेकिन राखी को सब कुछ समझ लेना यह बुरा है कि राखी ही दम करेगा तो हमारा मरीज ठीक होगा वरना ठीक नहीं होगा किसी कह दिया आपसे नबी अलैहि वसम सहाबी को नुस्खा बता रहे सहाबी खुद पढ़ रहे हैं शफा मिल रही है हमेशा के लिए शिफा मिल रही है और हमारे लोग मानने के लिए तैयारी नहीं है तो जिब्रील जबरी अमीना सलात आए कहाँ आप बीमार रहे हैं कहाँ मैं बीमार मार हूँ तो उन्होंने दम किया क्या किया बिसमिल्ला अरकी का मिनकुल्ली शईी का मिन शर्र कुल्ली नफिन और आई नासी दिन यशफ़ी का बिसमिल्ला अरक़ी का या रुके जबरील में बहुत सारे अफाज के अख्तिला आपको अलग अलग हदीसों में अलग अलग अफाज़ मिल जाएंगे लेकिन जो अफाज़ मैंने पढ़े ये सही मुस्लिम वगैरह में है और ये ज़्यादा मरूफ़ और मशहूर अफ़ाज है क्या कहा उन्होंने बिसमी का अल्लाह के नाम से मैं आप पर दम करता हूँ कोई दूसरा भी आपके ऊपर दम कर सकता है और बात तो महा नबी की थी बात जबरील की थी तो कहा मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ किस चीज़ के लिए मिन कुलशीक हर उस चीज़ से जो आपको तकलीफ़ दे आगे क्या कहा मिनशर कुल्ल नफसिन हर इंसान हर नफ्स के शर से कि किसी की तरफ से कोई शर बुराई आपको ना हो आई नासी दिन या किसी हसद करने वाले की बुरी नज़र से मैं आप पर दम करता हूं फिर कहा अल्लाह यशफ़ी का अल्लाह आपको शिफा दे बसमिल्ला अरक़ी का मैं आपके ऊपर अल्लाह के नाम के जरिए दम करता हूं तो ये रुक जबरील है कोई घर का बीमार हो जाए आप खुद बीमार हो जाए तो बिसमिल्ल अरक़ी का के बजाय बिसमिल्ला अरक़ीनी कह दें बिसमिल्ल अरक़ीनी मिनकुल्लिशुदीनी मिनशरकिनफ़िन औआईन आसदिनलाशफ़ीनी बसमिल्ला अरक़ीनी इस तरीके से हो जाएगा आप अपने लिए कोई साहब के घर का बीमार है तो बिसमिल्ला अरक़ी का मिनकुल्लिश यूदीक पूरी दुआ आप पढ़ करके दम कर दें आखिरी चीज़ देखें दुआएं बहुत सारी हैं इतनी दुआएं हैं पनाह मांगने की रुकिए की दम की कि मतलब आप जो है दुनिया के हिसाब से याद करते करते परेशान कितनी दुआएं हैं हमारे लोग बोलते हैं तो अरे कौन कौन सी दुआ याद करें ये भी है वो भी है वो भी है ये भी है कौन कौन सी याद करें अरे भाई याद तो करो एक याद नहीं करेंगे ढिढोरा दुनिया का पीटेंगे एक दुआ याद करने में महीने लग जाते हैं बात किसकी है पता है शौक की मैं कई बार ये जुमले दोहराता हूं कि हमें दुनियावी चीजों का कोई शौक होता है तो सब हम सीख लेते हैं सब कुछ गाड़ी चलाना कार चलाना बाइक चलाना मोबाइल चलाना दुकान चलाना लोगों को चलाना सब हम सीख लेते हैं सब सीख लेते ज़रूरत पड़े तो सब सीखते हैं इसलिए कि हमने उसको ज़रूरत समझा लेकिन हमने कुरान को हमने दुआ को ज़रूरत नहीं समझा इसलिए हमें याद भी नहीं होती इसलिए हमें पढ़ना भी नहीं आता इसको ज़रूरत समझें या आपके घर की हर एक बंदे की ज़रूरत है कुरान भी और दुआ भी कुरान भी और दुआ भी चाहे कुरानी दुआएं हो या आदीस के अंदर मौजूद दुआएं ये ज़रूरत है आखिरी बात के तौर पर जो मैं बात कर रहा हूं आपसे वो ये कि देखें आप बीमार नहीं हैं आपके घर का भी कोई बीमार नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए लेकिन अगर किसी बीमार को आप देखें तो उसके लिए तो दुआ करना ही है आपको क्या कहेंगे लाबासा तहर इनशा भाई परेशान ना हो अल्लाह शिफा देगा ये बीमारी आपके लिए क्या है गुनाहों के खात्मे का जरिया होगी और साथ ही साथ उस बीमार को और भी कई दुआएं जैसे एक दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया असल्लावीम और अब बला आशिल का किसी बीमार के पास जाओ मतलब उस बीमार के पास और अगर उसकी मौत का वक्त नहीं है सात मरतबा ये दुआ पढ़ दो तो उसको शिफा मिल जाएगी असलब और अब्बल आर्शिलावीम अयशियक भैया ये, ये नबी का बताया हुआ है एक लोग कहेंगे सात मरतबा पढ़ने से क्या होता है नबी कह रहे हैं मौत का वक्त नहीं है यकीन से पढ़ लो शिफा मिल जाएगी हम यकीन से नहीं पढ़ते हम तो भाई काम चलाए ना भाई हमारा कोई जानने वाला था चले गए मिल करके चले आए नाम हो जाएगा वरना लोग कहेंगे अरे वो फलाने साहब तो देखने ही नहीं आए थे हॉस्पिटल में लोगों के लिए ना जाएँ कि लोग कहेंगे अरे हमारे फ़ला रिश्तेदार फूफा तो आए ही नहीं थे तो देखने खालू तो आए ही नहीं मामू तो आए ही नहीं हमारी अम्मा बीमार थी और ऐसा वैसा हो गया कोई देखने के लिए नहीं आया लोगों की वजह से ना जाएँ बल्कि इस वजह से जाएँ कि बीमार की इयादत करना सुन्नत है चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या कोई और हो इस नियत से जाए उसको दुआ दे दें तसली दे दें दे, और अपने लिए क्या करें वहाँ पर देखें झोपड़ी वाले इलाकों से आपका गुजर हो जो आपसे कमतर हैं दुनियावी हिसाब है से ऐसे ही आप किसी माजूर को देखें जो मज़ूर है जिसके पास हाथ नहीं पैर नहीं आँख नहीं कान नहीं या कुछ और नहीं जिसम के आज़ा नहीं ऐसे ही कोई गरीब को आप देखें ऐसे ही किसी बीमार को आप देखें तो उसके लिए तो दुआ है ही है लेकिन उसको सामने रख करके आपके पास चूँकि मौजूद है नेमतें हैं तो अल्लाह का शुक्र क्या दुआ पढ़ना चाहिए किसी मुसीबत ज़दा और परेशान हाल शख्स को देख करके क्या दुआ पढ़ना चाहिए अल्हद लजी आफानी कभी ही वा वालानी खला का तफजीला ये सुना करके नहीं पढ़ेंगे आप अपने मन में ही पढ़ ले होंठ हिला करके पढ़ ले अल्लाह के शुक्र के तौर पर कि अल्लाह मेरे पास तो दोनों हाथ हैं दोनों पैर हैं दोनों आँखें हैं इसके पास तो ये नहीं इसके पास ये नहीं ये गरीब है ये दुनिया के हिसाब से मुझसे ज़्यादा जो है मोहताज है और ये जो है फ़ला फला, फला ज़रूरतमंद है ये जो है इसे झोपड़पट्टी के इलाके से गुजर रहा हूँ अल्लाह यहाँ के लोगों से तो ज़्यादा अच्छा मैं हूँ कि घर से मैं किराए के घर पर रह रहा हूँ लेकिन मेरा अपना घर है मैं किराए के साथ छत है और ऐसे ही हॉस्पिटल में जाएँ तो बीमारों को देखें इबरत हासिल करें अल्लाह का शुक्र अदा करें अलहमद लादी तमाम तारीफ उस के लिए आफ़ानी जिसने मुझे आफियत दी महफूज रखा किससे सेब तला कभी ही उस परेशानी उस बीमारी उस तकलीफ से जिसमें तुझे मुबतला किया है वफ़ वाल अला कसर मनखलक तफीला और ने मुझे अपनी मखलूक में बहुत सारी मखलूक पर क्या है फजीलत और बरतरी अदा की है तो ये दुआ पढ़ लिया करें इन शह इससे आपके ऊपर आने वाली जो है बीमारियां उसको अल्लाह दूर कर देगा और साथ ही शुक्र अदा करने की वजह से आपकी सेहत और तंदुरुस्ती में और इजाफा होगा तो ये चंद बातें थी जो अपना रुकिया अपना इलाज ख़ुद करें इस हवाले से आपके सामने बातें रखी गई बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन अख्तसार के पेश नज़र चूँकि रुकिया का एक माहौल चला हुआ है रुकिया करना सुन्नत है रुकिया शरी़ इसके नाम पर लोग जो है अपने अपने माल कमा रहे हैं इसलिए इस ज़रूरत को समझें अपने घरों में अपना इलाज अपना रुकिया ख़ुद करें डॉक्टर के पास जाएं दुनियावी हिसाब से कोई बीमारी परेशानी है लेकिन साथ ही साथ रूहानी इलाज किया करें अपना अपने घर वालों का अपने बीमारों का इलाज खुद से करें रुकिया करें किसी और से भी दुआ करवा लें लेकिन ये प्रोफेशनल लोग जो हैं इनसे बचें क्योंकि ये आपको ठीक करने से ज़्यादा आपके माल पर इनकी निगाह होती है ताकि उनका बैंक बैलेंस बढ़ जाए अल्लाह हरबुआमी से दुआ है अल्लाह हम सबको हर तरह की परेशानियों से बीमारियों से आफतों से महफूज रखे हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अतः फ़रमाए और हम में से जो लोग इस तरह की गलत चीज़ें उसमें मुलविस हैं अल्लाह उन तमाम लोगों को सही रास्ते पर आने की तोफ़ी अतः फ़रमा अल्लाह हमें अपना इलाज खुद से करने अपने बीमारों का इलाज खुद से करने रुकिया का अहतमाम करने की तोफ़ी अतः फरमा कुरान और अहदिस के अंदर जो मौजूद दुआएँ हैं उन दुआओं के ज़रिए हमें अपना बीमारों का इलाज کی توفیق دے جب اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ تو خاتمہ وصل الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته